हेलो एवरीवन, कुक जीत और फैमिली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रवा मिल्क पाउडर पेड़ा की रेसिपी। रक्षाबंधन अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो दोस्तों आप आपके भाई के लिए ये मिठाई ज़रूर बनेगा, सबको बेहद पसंद आएगी और आपकी तारीफ ही तारीफ होगी। तो चलो दोस्तों, फटाक से करेंगे बहुत ही कम टाइम में रेडी होने वाली स्वीट स्वीट यम्मी यम्मी पेड़ा की रेसिपी। रवा मिल्क पाउडर पेड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम बारीक रवा। मार्केट में इजीली बारीक रवा मिल जाता है दोस्तों। सबसे पहले हम शुगर सिरप की तैयारी करेंगे पेड़ा के लिए। तो यहाँ पर एक भगोने के अंदर 400 ग्राम ऐड करेंगे शुगर, 500 ग्राम मैंने लिया है रवा, तो 400 ग्राम शुगर ऐड करेंगे और शुगर डूबने जितना ऐड करेंगे पानी। अब ऐड करेंगे एक चम्मच इलायची एसेंस। आप इलायची एसेंस की जगह पर इलायची पाउडर भी ले सकते हो दोस्तों। अभी ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब येलो फूड कलर। आप ऑरेंज कलर भी ले सकते हो, बिना कलर के भी बना सकते हो। तो दोस्तों, चिकना हो जाए तब तक चाशनी को हमें पकाना है। तो एक साइड हमारा चाशनी तैयार हो चुका है और यहाँ पर दूसरी साइड मैंने लिया है 400 ग्राम मिल्क पाउडर। कोई भी अच्छी कंपनी का आप मिल्क पाउडर ले लीजिए दोस्तों। 400 ग्राम मिल्क पाउडर के अंदर 200 ग्राम मैंने नॉर्मल मिल्क ऐड कर लिया है और अब हम चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप विस्कर की सहायता से भी मिक्स कर सकते हो दोस्तों। गुठलियाँ बिल्कुल भी मिल्क पाउडर के अंदर नहीं होनी चाहिए, बिना गुठलियों वाला मिल्क पाउडर हमें रेडी कर लेना है। तो बहुत ही अच्छे से हमारा स्मूथ पेस्ट बन चुका है, देखिए इस तरीके का होना चाहिए। अब ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच घी। दोस्तों यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, आप डालडा घी भी ऐड कर सकते हो। घी को अच्छे से मिल्क पाउडर के अंदर मिक्स कर लेना है। मिल्क पाउडर के अंदर फैट बहुत कम होता है, इसीलिए मैंने इसके अंदर घी ऐड कर लिया है। मिल्क पाउडर पेस्ट रेडी हो चुका है, तो मैंने साइड में रख दिया है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और गर्म गर्म कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेंगे 500 ग्राम रवा। अब हमें पहले तो रवा को हाई गैस के ऊपर थोड़ी देर भूनना है, बाद में स्लो गैस के ऊपर पकाना है। कढ़ाई जब अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम को स्लो कर दीजिए और लगातार रवा को चलाते रहना है। रवा में से थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए तो दोस्तों 100 ग्राम के करीब ऐड कर लेंगे घी। यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया है, आप कौन सा भी घी ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। रवा के अंदर घी को अच्छे से पहले तो मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को रखना है स्लो दोस्तों। अब हमें थोड़ा सा मेहनत का काम करना है, स्लो गैस के ऊपर ही रवा को भूनते रहना है। तो देखिए दोस्तों, अपने आप घी रवा में से अलग होने लगा है, देखिए रवा अपने आप फूलने लगा है। तो और भी 2 मिनट पका लेंगे दोस्तों। रवा एकदम फूल के रेडी हो चुका है, भून चुका है, बहुत बढ़िया खुशबू भी आने लगी है। तो यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर का पेस्ट बना के रखा था ना, मिल्क और घी डाल के, तो वो ही पेस्ट हम ऐड कर लेंगे। रवा के ऊपर ऐड कर लेना है दोस्तों, गैस की फ्लेम को स्लो रखना है। मिल्क पाउडर पेस्ट अच्छे से रवा के अंदर मिलजुल गया है, तो अब हम लगातार स्लो गैस के ऊपर चलाते रहेंगे 5 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट लग सकती है दोस्तों। मिल्क पाउडर का अच्छे से मावा हो चुका है, देखिए एकदम दानेदार मिठाई बन के रेडी हो चुकी है। तो अभी रेडी नहीं हुई है दोस्तों, इसके अंदर हमें मिलाना है स्वीट स्वीट यमी यमी बनाने के लिए शुगर का जो चाशनी बना के रखा था ना, वो ऐड कर लेना है दोस्तों। पहले तो शुगर सिरप को अच्छे से पका के चिकना कर लीजिए, बाद में ही रवा और मिल्क पाउडर के ऊपर ऐड करना है। आपका शुगर सिरप अगर पानी जैसा होगा और ऊपर ऐड कर देंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है और मिठाई टेस्टी भी नहीं बनती है। अभी हमें लगातार चलाते रहना है। यहाँ पर पहले तो हम ड्राई फ्रूट ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम ऐड किया है किशमिश। अब ऐड करेंगे बादाम। यहाँ पर मैंने आलमंड को बारीक चॉप करके ऐड कर लिया है दोस्तों। ड्राई फ्रूट की मात्रा आप कम ज़्यादा ले सकते हो, आप इसके अंदर काजू पिस्ता भी ऐड कर सकते हो। सो
शुगर सिरप ऐड करने के बाद 10 मिनट हो चुकी है। लगातार हमने पकाया है मिठाई को। अब हम थोड़ा सा निकाल के ठंडा करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मिठाई ठंडा हो चुका है, तो चेक कर लेंगे। एक छोटा सा बॉल बना लेंगे। देखिए बिना चिपचिपाहट वाला रेडी हो चुका है बॉल्स। इसका मतलब है हमारी मिठाई एकदम रेडी हो चुकी है। तो अब हम ट्रांसफ़र करेंगे एक प्लेट के अंदर। देखिए कढ़ाई हमारा एकदम क्लीन है दोस्तों। इसका मतलब है हमारी मिठाई एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुकी है। अब और ज़्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है, नहीं तो एकदम कड़क हो जाएगा हमारा पेड़ा। तो अब हमें फैन के नीचे रखना है इस मिठाई को और लगातार चम्मच की सहायता से पहले तो चलाते रहना है, नहीं तो शुगर है ना ऊपर जम जाएगा। तो हमें लगातार बीच बीच में चलाते रहना है इस तरीके से, और थोड़ा सा ठंडा भी कर लेना है। थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही ठंडा कर लेना है पहले तो हमें। रवा मिल्क पाउडर मावा रेडी हो चुका है पेड़ा के लिए। तो हाथ के ऊपर पहले तो लगा लीजिए घी, और मावा को थोड़ा थोड़ा करके हाथ में लीजिएगा। बड़ा छोटा पेड़ा जैसे भी आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। दोस्तों रवा मिल्क पाउडर पेड़ा बनके रेडी हो चुका है। अब हमें इसको 6 से 7 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देना है। फ्रिज में नहीं रखना है दोस्तों, बिना फ्रिज के रख देना है। पता नहीं कैमरा के सामने इसका कलर बहुत चेंज आ रहा है, लेकिन एकदम येलो कलर में बनके रेडी हुआ है। बहुत ही बढ़िया कलर आया है। 7 घंटे के बाद पेड़ा एकदम रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट बना है दोस्तों। आप भी ज़रूर बनेगा और फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।